करीब 2 महीने के बाद देश की घरेलू यात्रा के लिए विमान रनवे से टेक ऑफ करेंगे। 25 मई से एक बार फिर विमानों के इंजन घड़घड़ाएंगे और अपनी अपनी मंजिलों की ओर प्रस्थान करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने हवाई यात्रा के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, जो हर यात्रियों के लिए जरूरी हैं। उड़ान के समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री होगी। अगले 4 घंटे की फ्लाइट के लिए ही एयरपोर्ट पर एंट्री होगी। एयरपोर्ट जाने के लिए यात्री सिर्फ निजी वाहन या अधिकृत कैब का इस्तेमाल कर सकेंगे। यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। बहुत जरूरी होने पर ही ट्रॉली का इस्तेमाल करना होगा। 14 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु में अगर ग्रीन नहीं दिखा तो एंट्री नहीं मिल पाएगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइंस के साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के बैगेज को टर्मिनल में एंट्री देने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए टर्मिनल के सभी गेट्स को खोला जाना जरूरी है, जिससे यात्री टर्मिनल के अंदर जा सकें और सारे सुरक्षा प्रोसीजर का पालन कर सकें। एयरपोर्ट के एंट्री गेट और स्क्रीनिंग जोन्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग शुरू हो गई है, जिसके बीच की दूरी 1 मीटर से कम नहीं होगी। एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान विमान में बीच वाली सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर पूरा नहीं होता। अगर आप बीच वाली सीट को खाली भी रखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट दैट्स नॉट मेट। सो नोवेयर इन द वर्ल्ड इज द ऑप्शन ऑफ कीपिंग द मिडिल सीट वेकेंट। यात्रियों के जूतों और फुटवेयर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट के सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी होगा, ताकि बाहर के इन्फेक्शन अगले पॉइंट तक न जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।